अभी आप देख पा रहे हो ब्लिंक मोबाइल ऐप पे 2.9 वोल्ट शो कर रहा है, क्योंकि सर्किट को मैंने 3 वोल्ट सोर्स के साथ पावर दे रखा है। एंड अभी मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। मैं इस एडेप्टर का यूज़ करने वाला हूँ सर्किट को पावर देने के लिए। ये 5 वोल्ट एडेप्टर है एंड इससे पावर देने के बाद हमें ब्लिंक मोबाइल ऐप पे 5 वोल्ट शो करना चाहिए। एंड आप देख पा रहे हो अभी ब्लिंक मोबाइल ऐप पे 5 वोल्ट शो कर रहा है। एंड एक बार मैं आप लोगों को मल्टीमीटर से भी चेक कराता हूँ। एंड मल्टीमीटर पे भी आप देख सकते हो 5 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है। ऑलराइट, सो आज हम लोग बनाते हैं एक डीसी वोल्टेज सेंसर मॉड्यूल और उसको हम इंटरफेस करेंगे NodeMCU बोर्ड के साथ। एंड वोल्टेज हम मॉनिटर करेंगे ब्लिंक IoT मोबाइल ऐप पे। ऑल्दो ये वोल्टेज सेंसर मॉड्यूल आपको ऑनलाइन 20 रुपीज़ के नीचे मिल जाता है, फिर भी अगर आपको इमरजेंसी है या फिर अगर आपका किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपको वोल्टेज मेजर करना है या फिर वोल्टेज शो कराना है तो आप इजीली इस सर्किट को बना सकते हो और अपने प्रोजेक्ट पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको वोल्टेज सेंसर मॉड्यूल के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इस आर्टिकल को चेकआउट कर सकते हो। एंड हम इस सेम स्कीमेटिक डायग्राम का यूज़ करेंगे वोल्टेज सेंसर मॉड्यूल को बनाने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 रेजिस्टर R1 एंड R2। एंड ये वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमें सर्किट पे वोल्टेज देना होगा एंड वोल्टेज दोनों रेजिस्टर में से पास होते हुए डिवीजन क्रिएट करेगा। एंड सर्किट में से हमें एनालॉग वैल्यू रीड करना है NodeMCU बोर्ड के साथ। एनालॉग वैल्यू मिलने पे हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से मिनी ब्रेडबोर्ड पे मैंने सर्किट बना लिया है एंड NodeMCU बोर्ड के साथ भी कनेक्शन कर रखा है। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 रेसिस्टर। मैंने लिया है एक 10 किलो ओम रेसिस्टर और एक 100 किलो ओम रेसिस्टर। आप मल्टीमीटर पे भी वैल्यूज देख सकते हो। दोनों रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। 100 किलो ओम रेसिस्टर का एक पॉइंट को कनेक्ट कर रखा है NodeMCU ग्राउंड के साथ। एंड दोनों रेसिस्टर का जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ से हम एनालॉग इनपुट लेंगे NodeMCU बोर्ड पे। सो इस पॉइंट को कनेक्ट कर रखा है NodeMCU A0 पिन के साथ। एंड अभी बात करते हैं हमें बैटरी कहाँ कनेक्ट करना है या फिर इस सर्किट को पावर कहाँ पे देना है। सो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे हम ग्राउंड के साथ। 10 किलो ओम रेसिस्टर का जो एक पॉइंट रह जाता है उस पे हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम एनालॉग रीड कर सकते हैं NodeMCU बोर्ड पे एंड एनालॉग वैल्यूज को कैलकुलेट करके हम वोल्टेज पता कर सकते हैं। सर्किट कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग कोड देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल A0 को वोल्टेज पिन डिफाइन कर रखा है एंड इनसाइड वॉइस सेटअप सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर दिया है। बॉड रेट रखा है 115200। इनसाइड लूप एक इन वेरिएबल ले रखा है सेंसर वैल्यू नाम से और वोल्टेज पिन को एनालॉग रीड करके सेंसर वैल्यू पे असाइन कर रखा है। नेक्स्ट अगेन एक फ्लोट वोल्टेज वेरिएबल ले रखा है एंड अभी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो होगा हमारा वोल्टेज। एंड फॉर्मूला पे है सेंसर वैल्यू जो कि वोल्टेज पिन को एनालॉग रीड करने के बाद हमें मिलेगा। एंड ये 0 से लेके 1023 रेंज तक रहेगा। जब सोर्स से मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा तब 1023 वैल्यू हमें सेंसर वैल्यू पे मिलेगा। एंड जितना वोल्टेज कम होता जाएगा वैल्यू भी डिक्रीज करने लगेगा। एंड उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइडेड बाई 1023। सो 5 हमने ले रखा है रेफरेंस वोल्टेज। सो अभी के लिए हमें 5 वोल्ट को ही मेजर करना है। अगर आपको 12 वोल्ट पे मेजर करना है तो आप 12 वोल्ट भी डाल सकते हो। एंड डिवाइडेड बाई 1023 ये मैक्सिमम रेंज है, इससे हमें डिवाइड करना रहता है। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा वोल्टेज। एंड वोल्टेज को सीरियल प्रिंट करा रखा है एंड डिले लगा रखा है 1000 ms। सो अभी इस कोड को अपलोड कर देते हैं एंड प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम ब्लिंक मोबाइल ऐप पे भी इसको इंटीग्रेट करेंगे। कोड अपलोड करने के बाद अभी प्रोजेक्ट को टेस्ट करके भी देख लेते हैं। सो इस वायर में आ रहा है 5 वोल्ट। पहले मैं आप लोगों को मल्टीमीटर से भी चेक कराता हूँ। सो मल्टीमीटर शो कर रहा है 5.22 वोल्ट। एंड अभी इसको हम अपना वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पे भी टेस्ट करते हैं। नेगेटिव को हमें कनेक्ट करना होगा ग्राउंड के साथ एंड पॉजिटिव को कनेक्ट करना होगा रेजिस्टर का जो खाली पॉइंट है उसके साथ। कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद अब आप सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हो 5 वोल्ट शो कर रहा है। एंड यहाँ पे 5 वोल्ट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा प्रोग्राम मैक्सिमम 5 वोल्ट तक ही शो करा सकता है। वोल्टेज उसके ऊपर भी जाएगा तो भी 5 वोल्ट ही शो करेगा। एंड अभी मैंने वोल्टेज कम कर लिया है एंड अभी मल्टीमीटर पे आप देख सकते हो वोल्टेज हमें मिल रहा है 2.8 वोल्ट के आसपास। एंड अगेन अभी हम अपना वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पे भी इसको टेस्ट करके देखते हैं। सर्किट पे पावर कनेक्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हो सीरियल मॉनिटर पे हमें 2.92 वोल्ट मिल रहा है। मल्टीमीटर पे मिल रहा था 2.80 2.82 के आसपास एंड सीरियल मॉनिटर पे हमें मिल रहा है 2.92 वोल्ट। सो ये क्लोज इनफ शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट अच्छे से वर्क कर रहा है एंड हम इससे वोल्टेज मेजर कर पा रहे हैं। सो चलो अभी इसको ब्लिंक IoT ऐप के साथ भी ट्राई करके देखते हैं। सो ब्लिंक मोबाइल ऐप सेटअप करना आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार इस पर बात किया हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए मैं वीडियो लिंक ऐड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप सीख सकते हो कैसे आपको ब्लिंक मोबाइल ऐप सेटअप करना है। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लिंक एग्जाम्पल कोड। सो उसके लिए हमें जाना होगा फाइल पे, देन एग्जाम्पल्स, देन यहाँ से ब्लिंक पे जाना होगा एंड ब्लिंक एजेंट। एंड यहाँ से सेलेक्ट करना है एजेंट ESP8266। अगर आप ESP32 बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको ESP32 सेलेक्ट करना होगा।
यह हमारे पास आ चुका है ब्लिंक एजेंट एग्जाम्पल कोड। अभी हमें इस कोड को मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पे हमें टेम्पलेट आईडी एंड टेम्पलेट नेम पेस्ट करना है। उसके लिए हमें एक ब्लिंक टेम्पलेट क्रिएट करना होगा, तभी हमें ब्लिंक टेम्पलेट आईडी एंड टेम्पलेट नेम मिलेगा। बट मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है एंड टेम्पलेट आईडी एंड टेम्पलेट नेम मैंने कॉपी कर रखा है। इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यानी यह था हमारा आर्डिनो स्केच एंड इसी से हम कोड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पिन डिफाइन करना होगा, तो इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड अभी वॉइस सेटअप पे कुछ भी करने की नीड नहीं है। एंड लूप पे जितना भी कोड है सबको कॉपी कर लेना है एंड हमें लूप पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अभी हमें वोल्टेज को ब्लिंक सर्वर पे अपडेट करना होगा। सो उसके लिए ब्लिंक डॉट वर्चुअल राइट एंड मेरे केस में वर्चुअल पिन V0 था। V0 पिन को हमें अपडेट करना है एंड हमें V0 पिन पे वोल्टेज वैल्यू सेंड करना है। एंड ये बी कैपिटल होगा, इसको मैंने स्मॉल रख दिया था। सो अभी इस कोड को अपलोड कर सकते हो। मेरे केस में मेरा NodeMCU बोर्ड कनेक्टेड है COM4 पोर्ट पे। सो बोर्ड एंड पोर्ट सेलेक्ट करके कोड अपलोड कर देना है। कोड अपलोड होने देते हैं एंड कोड अपलोड होने के बाद फाइनली हम ब्लिंक ऐप के अंदर वोल्टेज मेजर कर पाएंगे। अभी आप देख पा रहे हो ब्लिंक मोबाइल ऐप पे 2.9 वोल्ट शो कर रहा है, क्योंकि सर्किट को मैंने 3 वोल्ट सोर्स के साथ पावर दे रखा है। एंड अभी मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। मैं इस एडेप्टर का यूज़ करने वाला हूँ सर्किट को पावर देने के लिए। ये 5 वोल्ट एडेप्टर है एंड इससे पावर देने के बाद हमें ब्लिंक मोबाइल ऐप पे 5 वोल्ट शो करना चाहिए। एंड आप देख पा रहे हो अभी ब्लिंक मोबाइल ऐप पे 5 वोल्ट शो कर रहा है। एंड एक बार मैं आप लोगों को मल्टीमीटर से भी चेक कराता हूँ एंड मल्टीमीटर पे भी आप देख सकते हो 5 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है। सो हमारा सर्किट परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इमरजेंसी में वोल्टेज सेंसर मॉड्यूल चाहिए और आपके पास नहीं है, तो आप 2 रेजिस्टर के साथ कुछ इस तरीके से वोल्टेज सेंसर मॉड्यूल बना सकते हो एंड उसको आप आर्डिनो NodeMCU या फिर SP32 बोर्ड के साथ यूज़ कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस सर्किट को कैसे बनाना है एंड कैसे इसको इंटरफेस करना है NodeMCU बोर्ड के साथ। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप कर देना। और अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।